गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं अलका पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन शास्त्र जो आपका नेट का सिलेबस है उसमें जो एक टॉपिक है आपका दर्शन शास्त्र उससे रिलेटेड चीज़ें आज आपको बताऊंगी। उससे पहले हम बात करें, उससे पहले आप यूजीसी नेट में कौन सी बुक्स आपको दर्शन शास्त्र के लिए पढ़नी है उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो उनका मीडियम इंग्लिश है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको उसकी लिस्ट वहाँ दे दूँगी। हिंदी मीडियम बुक्स की मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। देखिए, एक तो आप बुक ले सकते हैं, इनमें से कुछ किताबें हैं, शिक्षा का दार्शनिक पृष्ठभूमि एक किताब है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की लक्ष्मीलाल ओड़ की किताब है, एक अच्छी बुक है। पाश्चात्य दर्शन का जो आपका पोर्शन है जिसमें आजकल जो नवीन दर्शन नाम से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए आपको समकालीन पाश्चात्य दर्शन की बुक पढ़नी है, ये किताब है बसंत कुमार लाल की। दूसरी किताब आपको भारतीय दर्शन की रूपरेखा प्रोफेसर हरेंद्र सिन्हा की किताब है, ये देखनी है। और अगर आपको बहुत डिटेल में और आपको बिल्कुल नहीं आता है तो भारतीय दर्शन के लिए ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की किताब है डॉक्टर नंद किशोर देवराज की, ये आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, स्पेशली सांख्य दर्शन के लिए और बौद्ध जैन दर्शन के लिए। ज्ञान मीमांसा भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है। और एक ही किताब है पाश्चात्य दर्शन के संबंधाएँ डॉक्टर शोभा निगम की, इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पाश्चात्य दर्शन से रिलेटेड है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं कहना चाहूँगी जिन लोगों ने भी मेरा चैनल नए है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके अपना बात बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। देखिए, अभी जो आपका टॉपिक इकाई यूनिट आपका बन है उससे हम रिलेटेड दर्शन की कुछ शाखाएं हैं उनको देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं, होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। दर्शन को पढ़ने से पहले कई सारे लोगों का कमेंट आया है कि मैम दर्शन में बहुत प्रॉब्लम है, तो दर्शन एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, दर्शन के लेके ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया, कोई भी आपको एक वाक्यांश दे दिया जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका तत्व मीमांसा क्या है, इसका ज्ञान मीमांसा क्या है, इसका मूल मीमांसा क्या है। तो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि वो बेसिकली, देखिए अगर आपने दर्शन पढ़ना है और आपको नहीं पता है कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल मीमांसा क्या है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो उसके की वर्ड्स होते हैं वो उनको देखना चाहिए। तो दर्शन शास्त्र की जो मेन चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है वो उसका है तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा और तर्क मीमांसा। ये क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्यों पूछे जाते हैं, इन सबसे रिलेटेड हम आगे अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दर्शन क्या है और आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में क्यों है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर्शन की बैकग्राउंड से नहीं आते, तो उनके लिए दर्शन शास्त्र एकदम से नया विषय है। तो दर्शन शास्त्र को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, मैं आज आपको समझाती हूँ। देखिए, आपने किसी व्यक्ति को देखा जिसकी डेथ हो गई है, जो मर गया है, तो ये एक सामान्य बात है कि वो मर क्या है आपने देखा। लेकिन यहीं पर जब एक दार्शनिक सोचेगा तो वो क्या सोचेगा कि कोई भी व्यक्ति क्यों मरता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, मरना होता क्या है, मरने के बाद कोई दुनिया है या नहीं है, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है या नहीं, जो उसका तात्विक, जो उसका तत्व, वो परम, जो मूल तत्व तक जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। तो ये एक कौन कर सकता है, दार्शनिक कर सकता है। अब बहुत सारे लोग हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, बहुत सारे अरस्तु हैं, थैलेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, अब महात्मा बुद्ध को देखिए ऐसा क्या हो गया रातों रात कि उन्होंने अपना पूरा घर परिवार छोड़कर सीधा कहाँ संन्यास ले लिया और परम तत्व सत्य की खोज में चले गए। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, दर्शन है। तो दर्शन सब्जेक्ट अपने आप में बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ से बात करेंगे एजुकेशनल फिलोसफी की, क्योंकि आपको वही पढ़ना है, वही आपके सब्जेक्ट एग्जाम में आना है। ठीक है, तो दर्शन का जन्म कैसे होता है, कहाँ से आया दर्शन, कैसे, क्यों ये सब्जेक्ट आया ही क्यों, तो उसका कारण है कि मनुष्य के मन में क्या होता है, आश्चर्य होता है किसी भी चीज़ को लेकर, ऐसा है तो क्यों है। आप छोटे जब बच्चे सभी लोग रहे होंगे तो आप अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से, टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस करते होंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों होती है, वो ऐसा क्यों। तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आश्चर्य से आते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों को देख के आश्चर्य होता है, ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे जो भावना होती है वो दर्शन का जन्म होता है, इसे आश्चर्य से होता है, बुद्धि से होता है। हमारी बुद्धि कभी कभी संतुष्ट नहीं होती, किसी ने हमसे कह दिया कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, आप
आपको सुबह डेली मंदिर जाना चाहिए, किसी ने कहा सुबह शाम, तो बुद्धि संतुष्ट नहीं होगी, बुद्धि आपसे तुरंत पूछे क्यों जाना चाहिए। तो यही कहा, यही जो बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए दर्शन का जन्म होता है, आश्चर्य के लिए दर्शन का जन्म होता है, और भी वैसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज को लेकर संदेह करते हैं। अरस्तु का भी यही मानना है कि प्लेटो का भी यही मानना है कि दर्शन का जो जन्म है वो कहाँ से होता है, कांट भी यही कहते हैं कि संदेह से दर्शन का जन्म होता है, जब किसी भी चीज पे आप संदेह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो वहां पे क्या होता है, दर्शन होता है। ठीक है, और भी कई चीजें हैं, मनुष्य में हमेशा से अपूर्णता की भावना रहती है ना, कि मैं इसके पीछे क्या कारण है, तो इस एक अपूर्णता की भावना भी आपको कहाँ ले जाती है, दर्शन की तरफ ले जाती है। चलिए आप मेन टॉपिक पे आते हैं। सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे तत्व मीमांसा की, मूल मीमांसा की और ज्ञान मीमांसा की, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आई होप कि आपको बोर्ड दिख रहा है, कि फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र की दो विचारधारा है, भारतीय विचारधारा और पाश्चात्य विचारधारा। भारतीय विचारधारा ये कहती है कि दर्शन जो है उसका अर्थ है कि दृश्यते अनेन यत् दर्शनम्, यानी कि जिसको देखा जा सके, जिसको समझा जा सके, जिसकी गहन तात्विक चिंतन किया जा सके, वो क्या है, दर्शन है। वहीं पाश्चात्य विचारधारा कहती है कि ज्ञान के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है व्यक्ति का, लव फॉर विजडम, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। तो ये अंतर है भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा में। भारतीय विचारधारा जहाँ अध्यात्म की तरफ ज्यादा मुड़ी हुई है, वहीं पाश्चात्य विचारधारा तर्कवाद और बौद्धिक तर्कवाद की तरफ ज्यादा मुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले हमें बात करनी चाहिए उसके सब्जेक्ट मैटर की, कि दर्शन शास्त्र का तीन आधार बिंदु है, तीन पिलर है, वो तीन पिलर क्या क्या है, नंबर वन तत्व मीमांसा, नंबर दो ज्ञान मीमांसा, नंबर था मूल मीमांसा, इंग्लिश में इसको कहेंगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी क्या है, ये हैं आपके दर्शन शास्त्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ जिनके ऊपर पूरा दर्शन टिका हुआ है। इन्हीं को बेस बना के आपको क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं, कई सारा पूछ लिया जाता है कि सांख्य दर्शन का मूल मीमांसा क्या है, आइडियोलॉजी का एपिस्टोमोलॉजी क्या है, तो वो आपको पता होना ही चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जब हमें मीनिंग पता होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व मीमांसा की। इसके तीन पार्ट है सब्जेक्ट, दर्शन के तीन पार्ट हैं, तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। पहला हम बात करेंगे यहाँ पे मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स क्या होता है उसको जानने के लिए आप सबसे बड़ी चीज जानिए, आत्मा क्या है, मन क्या है, ईश्वर क्या है, पदार्थ क्या है, ये सब जो चीजें हैं वो कहाँ से आई हैं, यानी कि व्यक्ति का जो उत्पत्ति है, इस संसार की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, उसका जो ओरिजिन क्या है। तो इस ये जो तत्व मीमांसा बात करता है मूल तत्व पे, जैसे कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जो कवर है वो प्लास्टिक से बना है। ठीक है, तो इसकी मूल तत्व इसका क्या है, प्लास्टिक है। इसके और अंदर जाएंगे तो प्लास्टिक किससे बना है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आगे चल के उन पार्ट्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, तो अंत में हम किस पे पहुंच जाएंगे कि मूल तत्व पे। इसी तरह से कि जो मूल तत्व है, मेन एलिमेंट जो है, कि किसी भी चीज का मेन एलिमेंट क्या है, उस पर बात करता है हमारा मेटाफिजिक्स। जैसे कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, आपका मन क्या है, आत्मा का क्या है, आत्मा आत्मा हमारे अंदर है या बाहर है, इसका परम तत्व से क्या संबंध है, इन सब सारी चीजों को लेके बात करता है हमारा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के दो पार्ट में इसको बांट दिया जाता है, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ लोग कुछ दार्शनिक लोग ये मानते हैं कि जो मूल तत्व है वो क्या है, मैटर है। जैसे जितनी भी चीजें हैं मैटर है, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ओरिजिन, हर चीज का ओरिजिन क्या है, आपका मैटर है। तो जो लोग ये मानते हैं कि सभी चीजों की उत्पत्ति भौतिक चीजों से हुई है और भौतिक तत्व से हुई है, परम तत्व की उत्पत्ति, मूल तत्व की उत्पत्ति, उन तरह के दार्शनिकों को हम क्या कहते हैं, भौतिकवादी दार्शनिक कहते हैं, या इसको मैटरलिज्म कहते हैं। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता होगा, पाश्चात्य दर्शन में आपने देखा होगा कि मैटरलिज्म क्या होता है, तो मैटरलिज्म यानी कि भौतिकवाद। जिस जो लोग ये मानेंगे, जो दार्शनिक ये मानेंगे कि मूल तत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मैटर से हुई है, वो दर्शन भौतिकवाद या मैटरलिज्म कहलाएगा। दूसरा, इसकी का मूल तत्व मीमांसा के दो पार्ट, दूसरा पार्ट क्या कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं,
भौतिक तत्व जो मूल तत्व है प्रकृति और मनुष्य और संसार की उत्पत्ति का, वो क्या है? ईश्वर है, अध्यात्म है। यानी कि व्यक्ति के अंदर अगर अध्यात्म नहीं है तो वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह का जो दर्शन है वो क्या, इस तरह के लोग जो दार्शनिक है वो क्या कहलाते हैं, या इस तरह की जो विचारधारा वो कहलाती है अध्यात्मवादी विचारधारा या आइडियोलॉजी। तो आइडियलिज्म और आपका मेटेरियलिज्म दो पार्ट हो गए किसके, तत्व मीमांसा के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से हम पूरा एक दर्शन को दो भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटा है। पहला तत्व है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के भी टू पार्ट होते हैं आपके, एक होता है हमारा भौतिक और अध्यात्म। यानी कि जो लोग मानेंगे कि मूल तत्व की उत्पत्ति मैटर से हुई है वो भौतिकवादी कहलाएंगे, जो लोग मानेंगे कि मूल तत्व की उत्पत्ति अध्यात्म से हुई है वो अध्यात्मवादी कहलाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऐसे आइडियलिज्म है आपका, आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद में मूल तत्व क्या है आपका, उत्पत्ति का। तो मूल तत्व वहां पे हमारा क्या है, अध्यात्म है। तो वो दर्शन किस तरह का हो गया हमारा, अध्यात्मवादी दर्शन हो गया। और इसकी व्याख्या किसके, उसकी तत्व मीमांसा बता देंगे। अब आपसे पूछा जाए कि अध्यात्म आइडियलिज्म की मूल मीमांसा क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। अब इसी तरह से प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद सभी चीजों की उत्पत्ति कहाँ से मानता है, प्रकृति से मानता है, यानी कि भौतिकवादी है। तो भौतिकवादी है तो भौतिकवाद के लिए आपको यहाँ आना होगा। इस तरह से हम बात करते हैं, इसमें मूल तत्व जो है इसको एक तरह से, दो तरह से व्याख्या तो हमने यहाँ पे कह दी कि इसको दो पार्ट में, लेकिन कुछ लोग इसकी व्याख्या अलग तरह से, कुछ दार्शनिक अलग तरह से भी व्याख्या करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति की जो उत्पत्ति है वो एक तत्व से हुई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं दो तत्व से हुई है, कोई कहते हैं कि नहीं इसकी जो उत्पत्ति है वो बहुत सारे तत्वों से हुई है। तो जो एक तत्ववादी है वो मोनिज्म, जो द्वैतवाद है वो कहता है डुअलिज्म, और तीसरा है आपका भौतिकवाद, वो कहता है आपका, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आपका प्लूरिज्म। तो इस तरह से तीन तत्व है, एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व। तो दो तरह से व्याख्या कर सकते हैं, या तो भौतिकवादी होगा उसका तत्व मीमांसा, या अध्यात्मवादी होगा, या एक तत्ववादी होगा, द्वैत तत्ववादी होगा, या बहुतत्ववादी। अब एक तत्व द्वैतवाद या बहुतत्ववाद क्या है ये समझ लीजिए। किसी एक चीज से उत्पत्ति होना, यानी कि मान लीजिए कि संसार की पूरी पूरी संसार की उत्पत्ति है एक पुरुष से हुई है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक तत्ववाद। कोई कहता है, कोई दार्शनिक कहता है कि नहीं पूरे संसार की जो उत्पत्ति है वो प्रकृति, जैसे सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन कहता है कि संसार की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के मिलने से हुई है, तो वो द्वितत्ववादी हो गया। कोई दर्शन ये कहता है बहुत तत्व, यानी कि प्रकृति की उत्पत्ति में बहुत सारे तत्वों का अलग अलग योगदान है, तो इस तरह का दर्शन क्या कहलाएगा हमारा, बहुत तत्ववादी। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका तत्व मीमांसा, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगला दर्शन है हमारा यहाँ पे ज्ञान मीमांसा, इसका दर्शन का जो टाइप है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी क्या कहता है कि ठीक है आपका मूल तत्व तो है, किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इस पर बात करने से पहले क्या हमें ये जानना भी जरूरी नहीं है कि क्या हम इस लायक हैं कि हम ये पढ़ सकें। अब मान लीजिए मैं आपको ये दर्शन शास्त्र पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ये छोटा सा बच्चा हो जो सेकंड क्लास का हो उसको आप बिठा दीजिए तो उसको नहीं समझ में आएगा। यही बात कहता है आपका ज्ञान मीमांसा कि, ज्ञान मीमांसा कहता है कि जो प्रकृति ईश्वर परम तत्व आत्मा की बातें हैं इसे समझने के लिए क्या हम योग्य हैं, अगर हम इसके लिए योग्य हैं तो उसके क्या कारण है, उसके क्या नहीं कारण है। तो बेसिकली ज्ञान मीमांसा एपिस्टोमोलॉजी की सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है उस पर बात करता है कि ज्ञान का स्रोत क्या है। अब ज्ञान के स्रोत दो तरह से हो सकते हैं। नंबर एक, ज्ञान का, ज्ञान कहाँ से आया, बुद्धि से आया। कि हमने, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि अचानक से व्यक्ति के अंदर कोई समस्या देखता है और उसके उसके अंदर एक अंदर से सूज उत्पन्न हो जाती है, जो आपका कोहलर ने प्रयोग भी किया है कि सूज आ गई और बुद्धि आ गई, और बुद्धि का प्रयोग करके हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसी तरह से दर्शन क्या कहता है कि व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से जाना है कि संसार में क्या है कैसे है, तो इस तरह का दर्शन जो कहलाएगा बुद्धिवाद कहलाएगा। यानी कि इस तरह के जो दार्शनिक कहलाएंगे बुद्धिवादी दार्शनिक कहलाएंगे। बेसिकली जो अभी जो नवीन आपका साइकोलॉजी, नवीन जो फिलोसफी जुड़ा हुआ है जिसमें पाश्चात्य दर्शन है, वो इन्हीं पे बात करता है। तो जो ज्ञान का स्रोत, की सोर्स ऑफ नॉलेज किसे मानेगा, बुद्धि को, यानी कि आपका बुद्धि को मानेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस को मानेगा, उसको हम बोलेंगे रैशनलिज्म, यानी कि बुद्धिवाद। आपको आजकल ये टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, रैशनलिज्म क्या है, यानी कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, रैशनलिज्म।
सेकेंड है आपका अनुभववाद यानी कि एम्पैरिज्म। तो एम्पैरिज्म क्या कहता है कि सभी चीजों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अनुभव से हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जाता है कि कैंडल को वो छुएगा तो कैंडल छूने से उसे क्या होगा, जल जाएगा, तो दोबारा वो उसको नहीं छुएगा। तो इसे उसने अपने किससे सीखा, अनुभव से सीखा, इसके लिए उसे किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह से फिलोसफी क्या है कि जब हमने कोई अनुभव किया कि अचानक से हमें परम तत्व या सत्य का ज्ञान हो गया, हम मंदिर गए और मंदिर में जाके हमको एक अनुभूति हुई, मस्जिद गए या गिरजाघर गए, कहीं भी गए, आपको जाके एक अलग सी अनुभूति होती है। तो वो अनुभूति के पीछे आपको अचानक से कोई इलाइटमेंट होता है, कोई ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है, तो वो अनुभव से जाना, आपने अपने अनुभव से जब कुछ चीजों को सीखा, तो इस तरह का जो दर्शन है वो क्या कहलाएगा, हमारा अनुभववाद कहलाएगा। और इस तरह का दर्शन जो बुद्धि से आधारित है वो हमारा रैशनलिज्म या अनुभववाद, दूसरा एम्पिरिज्म। तो इस तरह से इनको दो पार्ट में बांट दिया। ये बात हो गई हमारी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की। थर्ड पार्ट हमारा इसमें है सब्जेक्ट मैटर में, जो कहता है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा क्या होती है, देखिए मूल्य आपको शुरू से बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि वैल्यूज, मूल्य, नैतिक शास्त्र, ये सभी चीजें हैं वो किससे संबंधित है, मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा बात किस पे करता है, मूल मीमांसा बात करता है परम तत्व पे, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड को चलाने वाला एक परम तत्व है। देखिए अंतर रखना मूल तत्व और परम तत्व में, जब परम तत्व की बात आएगी तो मूल्य मीमांसा है, जब मूल तत्व की बात आएगी तो आपका तत्व मीमांसा है। तो परम तत्व यानी कि ईश्वर या कोई भी ऐसा, मैं जैसे जो अभी गॉड पार्टिकल भी खोजा गया है, तो एक जो परम तत्व है वो किसकी बात करता है, हमारा एक्सियोलॉजी यानी कि मूल मीमांसा की। ये इसके तीन पार्ट हैं, तर्क, नीति और सौंदर्य। तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक, नीति यानी कि एथिक्स, और सौंदर्य यानी कि एस्थेटिक्स, एथेस्टिक। अब सौंदर्य किसी भी चीज को देखिए, आपने एक देखा, आपने किसी वस्तु को देखा, एग्जाम्पल के लिए आपने मार्कर को देखा, तो आपके पीछे ये क्यों है, तो ये हो गया तर्क। इसका एथिक्स क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसको बनाया गया है कैसे, लिखने के लिए, अगर ये काम कर रहा है तो इसका एथिक्स है। दूसरा है कि सौंदर्य, तो इसको अच्छा ये देखने में सुंदर है या नहीं है, तो ये इसका एथिक्स है। तो ये तीन चीजें हैं आपकी परम तत्व की, कि परम तत्व को हम सबसे पहले तर्क की कसौटी पे देखेंगे कि अच्छा परम तत्व है या नहीं है, दूसरा हम देखेंगे उसका एथिक्स क्या है, कि उसके पीछे कोई एथिक्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको सौंदर्य दृष्टि से देखेंगे। तो इस तरह से ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, जो अलग अलग चीजों को लेके। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे फिलोसफी को, अभी मैं बेसिक बातें इसलिए कर रही हूँ, बेसिक चीजें इसलिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक जानना बहुत आवश्यक है। आप लोग आगे बढ़ जाते हो और ये चीजें छोड़ देते हो, इनको भी पढ़िए, इनको एक बात समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।